हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 5.18। लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना यहाँ पे है? आई इज इक्वल टू, लिख लेते हैं यहाँ पे येल्लो कलर से, आई इज इक्वल 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन ऑफ 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले इनकी डायरेक्शन समझ लेते हैं। मान लो ये अपना हो गया एक वर्टिकल लाइन, ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको बोल दिया वेस्ट और इसको बोल दिया ईस्ट, और यहाँ पे जो है ये हो गया अपना नॉर्थ और ये हो गया अपना साउथ, है ना, ये हो गया अपना साउथ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ, जहाँ पे ऑफ है उसके साथ चिपका हुआ 10। ऑफ किसके साथ है? ऑफ किसके साथ है? वेस्ट के साथ। तो 10 डिग्री चिपकाओ वेस्ट, है ना, ये हो गया अपना वेस्ट। तो यहाँ से ऐसे कुछ मैं ये सब ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ, अरे भाई यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा बीच में जाना चाहिए, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से, यहाँ से, अरे भाई कोई नहीं, चलो ये हो गया। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसके साथ 10 डिग्री बना, ये है अपना 10 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो गया अपना 10 डिग्री, जहाँ पे ऑफ है ऑफ ईस्ट, तो इसके साथ 10 डिग्री हमने बना दिए। ओके, हमने आगे क्या बोला है, द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस हैपन टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन के साथ जो है 10 डिग्री बना दो यहाँ से, तो इसकी हेल्प थोड़ी ले लेते हैं। चलिए भैया बन जाओ 10 डिग्री, है ना, ऐसा कुछ बन गया 10 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया अपना 10 डिग्री जियोग्राफिक मेरिडियन के साथ। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको बोला गया है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज 0.33 बी ई इज इक्वल टू 0.33 गॉस। नेक्स्ट आपको बोला है द एंगल ऑफ डीप इज 0। एंगल ऑफ डीप क्या आपको दिया गया? 0 दिया गया है। लुक एट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट आपको जो है वहाँ पे, ठीक है, फाइंड करना। देखो न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उनकी वजह से जो फील्ड होगी क्या होगी, दोनों ही कैंसिल होगी। ठीक है, मान लो ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी फील्ड जो है ऐसे आएगी पूरी ऐसे, ठीक है, समझ रहे, चीज़ ऐसे कुछ आएगी। तो इन शॉर्ट में बोलूँ, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हो, इन शॉर्ट में बोलूँ कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगी, इक्वेट करनी है, तभी वहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा। दोनों की फील्ड क्या होगी, आमने सामने होगी, है ना। बोलो तो यार क्या समझ में, ये हो गई फील्ड ड्यू टू वायर और ये हो गई फील्ड आपकी ड्यू टू अर्थ, तो दोनों की हो गई इक्वेट। तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डीप एंगल 0 है, तो बी ई इज इक्वल टू आप कर लो, ठीक है, बी इज इक्वल टू आप कर लोगे फील्ड ऑफ वायर, कर लो वायर, तो यहाँ पे अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जो आपको गिवन है कितने 0.33 गॉस इंटू 10^-4 कर लो टेस्ला में, है ना, और ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपन 2πr। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है आर, तो ये चीज़ जो है पूरी जाएगी नीचे और ये जाएगी पूरी पूरी ऊपर। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाजू में थोड़ा, तो आर जाएगा ऊपर, म्यू 0 मतलब 4π इंटू 10^-7 इंटू आई है 2.5 डिवाइड बाय 2π इंटू 0.33 10^-4, ये 2 हुआ, ये 5 डिवाइड बाय 0.33। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा -3 मीटर में आएगा पूरा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर इसका होगा आंसर, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा जो है डायरेक्शन के बारे में आपको समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखो नल पॉइंट्स निकालना है, तो नल पॉइंट्स मतलब तभी बनेगा जब क्या हो, वायर की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सेम होनी चाहिए। सेम कहाँ पर होगी, वो डिस्टेंस आप निकाल लोगे तो वो आपका हो जाएगा
नल पॉइंट। ठीक है, तो वीडियो कर दो लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब चलो करो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।